पाकर प्रक्षेप। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक मानक अक्षांश सहित शंक्वाकार प्रक्षेप। सबसे पहले ये गणित मैंने लिख दिया है। प्रदर्शक भिन्न 1:125 करोड़ पर 15 डिग्री के प्रक्षेपांतर के लिए अक्षांतर व्यवस्था 0-75 डिग्री नॉर्थ और देशांतर व्यवस्था 60 डिग्री पूर्व से 60 डिग्री पश्चिम। इस गणित के आधार पर हम एक मानक अक्षांश से ही शंक्वाकार प्रक्षेप की रचना करेंगे। शंक्वाकार प्रक्षेप के संदर्भ में यह कल्पना की जाती है कि ये हमारा जो ग्लोब है, ये इस ग्लोब के ऊपर इस तरह से शंकु लगा हुआ है। हम जब शंकु डालेंगे तो इस शंकु की जो ये ग्लोब के परिधि से शंकु का जो तल टच करता है उसको जोड़कर खींची गई ये जो रेखा है, ये रेखा कहलाती है मानक अक्षांश रेखा। ये मानक अक्षांश रेखा वो रेखा होती है जिसमें कि शंकु का जो तल है या शंकु जो है पृथ्वी के अक्षांश से स्पर्श करता है, इसलिए इसको स्पर्श रेखा भी कहा जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मानक प्रोजेक्शन बनाने के लिए पृथ्वी की प्रतिकृति बनानी पड़ती है। पृथ्वी की प्रतिकृति को उसको कहते हैं समानुपातिक वृत्त बनाना होता है, कल्पना की जाती है। समानुपातिक वृत्त बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, अर्धव्यास चाहिए, और इस अर्धव्यास को ज्ञात करने के लिए सूत्र है पृथ्वी का अर्धव्यास बटे दिया गया अर्धव्यास। पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है, 625 करोड़, और दिया गया अर्धव्यास कितना है, 125 करोड़। इसको हम भाग गुणा कर देंगे तो इसका उत्तर आता है 5.08 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, 5.08 सेंटीमीटर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितनी दूरी है, 5.08 सेंटीमीटर। 5.08 सेंटीमीटर का एक अर्धव्यास लेते हुए एक लघु चतुर्थांश हम खींचते हैं। लघु चतुर्थांश खींचने के पश्चात हम क्या करते हैं, यहाँ पर चांदा रखेंगे, चांदा रख के 15 डिग्री पर हम निशान लगाएंगे और ये 15 डिग्री की अक्षांतर रेखा खींचेंगे। उसी तरह से हम पुनः चांदा रख के 45 डिग्री की अक्षांतर रेखा खींचते हैं। 45 डिग्री की क्यों खींचते हैं, क्योंकि हमारा विस्तार कितना है, 0-75, तो 0, 15, 30, 45, 60 और 75, तो इसमें लगभग बीच की रेखा कौन सी है, ये 45 डिग्री, इसलिए अपन ने इस 45 डिग्री मानक अक्षांश को खींचा है। 45 डिग्री अक्षांश रेखा खींचने के पश्चात यहाँ पर हम ऐसा चांदा रखेंगे और 90 डिग्री एंगल पर हम एक सीधी सरल रेखा खींचेंगे। ये हमने 90 डिग्री एंगल पर सीधी सरल रेखा खींची और यहाँ से ये जो लंब है, ये रेखा है, ये सरल रेखा सीधी खींची, दोनों जहाँ कटते हैं वह हमारा उत्तरी ध्रुव होता है, ये बिंदु हमारा उत्तरी ध्रुव होता है। अब हम क्या करते हैं, एक सीधी सरल रेखा खींच लेते हैं। ये सीधी सरल रेखा खींच लेते हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम पहले बना लेते हैं। सपोज ये करो यहाँ आई है, ये हमने बना ली, ये कौन सी डिग्री हो गई, 45 डिग्री की अक्षांश रेखा हो गई। अब हम क्या करते हैं, इस दूरी को लेते हैं, इस दूरी को लेते हुए समान अंतर पर यहाँ पर दो रेखा और ऊपर में दो अक्षांश रेखाएं बना लेते हैं और इस बिंदु से क्रमशः चाप करते हुए इस तरह से एक, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी अक्षांतर रेखा को हमने बना लिया है। अब हमको क्या चाहिए, इस प्रधान मानक देशांतर अक्षांश रेखा पर देशांतरी अंतरालों को ज्ञात करना है। देशांतरी अंतराल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये 15 डिग्री का जो ये डिस्टेंस है या ये जो अंतराल है उसको यहाँ लेते हुए एक लघु चतुर्थांश हमने ये बनाया है, ये हमने लघु चतुर्थांश बनाया है। लघु चतुर्थांश और ये जो किरण है 15 डिग्री की जो अक्षांश है, जहां पर जिस बिंदु पर काटती है वहां से एक लंब डाल दिया, ये लंब का ये जो दूरी है, लंब की ये जो दूरी है, देखिए ध्यान से देखिए, लंब की ये जो दूरी है इसी दूरी को हमने यहाँ पर लेना है और हम इस तरह से निशान लगा, देखिए इधर ये है, इतनी ही दूरी को हमने इस अक्षांश रेखा पर हम डिस्टेंस ले दें। यहाँ पर कितनी बनेंगे, 15 × 15, 15 × 30, 15 × 30, 45, 15 × 60, 15 × 15, 15 ×
31, 15 दिया 45, 15 चौक 60, ये हमने बिंदु इस तरह से लगा लें। अब हम इस बिंदु को ये हमारे उत्तरी ध्रुव वाला जो है उससे जोड़ना है और सीधी सरल देशांतर रेखाएं खींचनी है कुछ इस तरह से, एक दो तीन चार, ये अब हम इसको लिख देते हैं 15, 30, 45, 60 पूर्व और 15, 30, 45, 60 पश्चिम, ये हो गया हमारा उत्तर, ये भी हमारा हो गया उत्तर। अक्षांतर रेखा कितने से, 0 से 75 है, तो 0, 15 हम इसको 15 से कर लेते भी, है ना, ये हो जाएगी ये 15, 30, 45 उसके बाद 60 और ये 75 डिग्री। यहां पर हम हेडिंग लिख दिए हैं, यहाँ पर भी हेडिंग लिख देते, ये हमारा हो गया कोनिकल प्रोजेक्शन। कोनिकल प्रोजेक्शन की विशेषता है कि ये जो मानक अक्षांश है, इस मानक अक्षांश पर मापनी शुद्ध होती है, जैसे जैसे इस मानक अक्षांश से उत्तर या जैसे जैसे इस मानक अक्षांश से दक्षिण की ओर जाएंगे मापनी की अशुद्धता बढ़ते जाती है, क्षेत्रफल भी बढ़ते जाता है। इसलिए इस जो प्रोजेक्शन है इसका जो उपयोग है केवल एक सामान्य अक्षांश तक, मतलब ज्यादा विस्तार न हो ऐसे स्टेट्स को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, हो गया, समझ में आ गया सबको। अब ये वीडियो देख के मुझे बताना ठीक है नहीं, अगर ऐसा ठीक होगा तो मैं इसी तरह से और भी वीडियो छोटे छोटे ऐसे एक एक प्रोजेक्शन का एक एक वीडियो तुमको बना के भेजूंगी, ठीक है।